आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम अपने आप को इस COVID-19 पेंडेमिक से बचा कैसे सकते हैं, क्यों नहीं बचा सकते। बस आपको सिंपल से प्रिकॉशंस लेने होंगे, बिकॉज ये एक ऐसा वायरस है जो खुद से कभी नहीं आता। इसको ट्रैवल करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत होती है, एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम उसको वो जरिया ही नहीं देंगे तो ये हम तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जानते हैं कि किस तरीके से हम इस वायरस को अपनी बॉडी में, अपने आप को इसको होस्ट बनने ही नहीं देंगे, इसको घर के बाहर ही रखेंगे, घर से अंदर आने ही नहीं देंगे। बॉडी से कनेक्ट ही नहीं रहेगा तो इसकी चेन ऑटोमेटिक टूट जाएगी। तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हमारा पहला काम होगा, पहला प्रिकॉशन होगा इस COVID-19 वायरस से दूर रहने का। सोशल डिस्टेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आप जिस जगह पर हैं, जहाँ पर भी हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखिए, उनसे दूरी मेंटेन रखिए। जैसे कि कहते हैं ना, हमारे PM जी ने भी कहा है 2 गज की दूरी है ज़रूरी। बट अगर फिर भी 2 मीटर आप नहीं दूर रह सकते हैं, जगह कम है, कुछ भी है, तो कम से कम 1.5 मीटर तो दूर रहना ही पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि इसकी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, ये उसके थ्रू आपकी बॉडी में घुसता है। तो जितना दूर रहेंगे, तो अगर किसी ने कफिंग की, किसी ने खांसा छींका, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आपने इतना डिस्टेंस मेंटेन रखा तो। तो अगर आप इसे बचना चाहते हैं, इस वायरस को अपने अंदर घुसने से रोकना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि जितना हो सके लोगों से दूर रहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले को कोरोना वायरस है या नहीं है। तो कोरोना वायरस को अवॉइड करने के लिए बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आपने, आपके अंदर वो वायरस आएगा ही नहीं, आपको अपना होस्ट वो बनाएगा ही नहीं, तो भला आप इससे अफेक्ट कैसे होंगे। तो बेटर यही है, बेस्ट प्रोटेक्शन, बेस्ट ऑप्शन कि आप लोगों से दूर रहिए, क्राउडेड प्लेस पे मत जाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए। जहाँ भीड़ हो, जहाँ आपको लगता है कि आपको काम है, तो इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए भीड़ का कम होने का, और तब वहाँ पे जाइए और प्रॉपर तरीके से लोगों से डिस्टेंस रखिए। अगर डिस्टेंस रखेंगे तो चांस ही नहीं है कि आपको वायरस अफेक्ट कर सके, आपके अंदर घुस सके। फिर हम बात करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को और ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमने जाना, बट अगर आपको कोई काम नहीं है बाहर जाने का, या आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए बाहर जाने के लिए, तो प्लीज़ घर पर रहिए, घर पर रह करके अपने काम निपटाइए। क्योंकि जितना आप बाहर जाएंगे, उतने चांसेस ज़्यादा हैं उसका आप तक पहुँचने का। बट अगर आप ही उस तक नहीं पहुंचेंगे तो उसकी चेन ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगी, वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो वायरस वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट पार्ट, स्टे एट होम। अगर आपको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जा करके भीड़ भाड़ के एरिया में ज़बरदस्ती घुसे, ज़बरदस्ती उसको अपने साथ लेके आए। जितना घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, और अपने हाथ को साफ करते रहिए। क्योंकि हमारा अगला पॉइंट इससे बचने का यही है कि हम अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से साबुन से या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहें। बेसिकली साबुन इज़ द बेस्ट, सोप तो आप आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप सोप नहीं यूज़ कर पाते हैं, आपको चाहिए सैनिटाइज़र। आप सैनिटाइज़र लीजिए, और ऐसा सैनिटाइज़र लीजिए जिसमें अल्कोहल हो, और उसको लेने के बाद आप अपने हाथ को उससे धोइए। साफ़ करने के बाद साबुन से धो रहे हैं तो लगभग 20 सेकेंड कम से कम, सो दैट कि वो वायरस का जो है वो साबुन के साथ बह जाए, निकल जाए। और अगर सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, आप उसे अपना हाथ साफ करेंगे, ऑटोमेटिक कुछ देर बाद अल्कोहल चला जाएगा, सोप आपके हाथ को बचा लेगा इस वायरस से। फिर बात करते हैं माउथ को कवर करने की, मास्क से, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी मजबूरी है, आपको ऑफिस जाना है, आपको सामान खरीदना है, तो आप बाहर जब निकलते हैं तो प्लीज़ कवर योर माउथ। क्योंकि ये जो वायरस है, ये जब घुसता है तो इसको सिर्फ सेंसिटिव एरिया चाहिए होता है घुसने के लिए, यानी कि आपका नाक, मुंह, कान, आईज। तो अगर आपका मुंह ढका रहेगा तो ये आप तक नहीं घुसेगा।
और अगर गलती से आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो आपके पास उस टाइम पे हैंकी नहीं है या आपके पास हैंकरचीफ नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो आप प्लीज़ अपने एल्बो से अपने आप का मुंह कवर करिए, सो दैट कि अगर गलती से वायरस है तो वो कहीं और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उसकी चेन और ना बढ़े। तो अपनी प्रोटेक्शन भी करना है, फैमिली की प्रोटेक्शन भी करना है। फिर आपकी कंट्रोलिंग मेथड, कि अगर बाय चांस हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकें, तो सबसे ज़रूरी है सनलाइट लीजिए, उससे विटामिन्स मिलते हैं आपको, विटामिन डी मिलता है, और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको वेजिटेरियन फूड खाना होगा, कुक्ड फूड आपको पका करके खाना है, घर में खाना है, घर का बना खाना है। क्योंकि पहली बात, जो भी हम घर में पका के खाएंगे, हमको पता है कि हमने कैसे बनाया है, कितना हाइजीन है, तो बेटर ये है कि आपको खाना पका करके खाना है। उससे ये होगा कि टेम्परेचर जिस तरीके से खाने का हाई होता है, तो कोरोना वायरस टेम्परेचर इंक्रीज होने से डीएक्टिवेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, कुक्ड फूड खाना है, वेजिटेबल खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट सलाद को आपको इंक्लूड करना है, साथ में वेजिटेरियन फूड ही खाना है, नॉन वेज को अवॉइड करिए, और साथ में जंक फूड को अवॉइड करिए, ये आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं, तो ये जंक फूड, प्रोसेस फूड, ये सब नहीं खाना है। हेल्थ सप्लीमेंट लीजिए, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, विटामिन की डेफिशिएंसी मत होने दीजिए, और साथ में बीन्स, पीनट्स, कैश्यू, बादाम, पम्पकिन सीड्स, होल व्हीट, चीज़, मिल्क, डार्क चॉकलेट, ये सब भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इनको अपनी बॉडी में आप इनटेक बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं योगा आसन की। योगा आसन हमारा सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छी होती है, कंट्रोल होती है। आपको इम्यूनिटी बढ़ने से, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से हम कोरोना जैसी चीज़ों से लड़ सकते हैं, उसको अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला आसन है भस्त्रिका आसन, इसका काम ये होता है कि इसे करने से हमारी बॉडी में जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है वो सीधे के सीधे हमारी पूरी बॉडी में होती है, लंग्स को साफ करती है। तो वैसे ही हमारा नेक्स्ट आसन है अलोम विलोम, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, करने के लिए कुछ नहीं है। जब इसको आप करते हैं तो इससे हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है। फिर आती है भ्रामरी और ओम, इस आसन को करने से हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जी डेवलप्ड होती है। फिर है हमारा कपालभाति, कपालभाति एक ऐसा आसन है जिसको करने से आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार की जो सीक्वेंस हैं उनको आपको करने से आपकी बॉडी एक्टिव भी रहेगी और फिट भी रहेगी। और इन सारे योगा आसन को रेगुलर करने से आपकी इम्यूनिटी सुपर इंक्रीज हो जाएगी, कोई कोरोना वायरस आपको नहीं टच कर पाएगा। सो होपफुली आप समझ गए होंगे और फॉलो करेंगे। तो मैं यही कहूँगी एंड में आपसे कि कोरोना से डरिए मत, कोरोना को डरा करके भगाइए। कोरोना डरने वाली चीज़ नहीं, बचने वाली चीज़ है, इससे आप बचिए। अगर आप बचेंगे तो ना आपको होगा ना आपकी फैमिली को होगा।